बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के प्रस्तावित रैली को अनुमति न मिलने पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने और लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाए। वहीं राजधानी शिमला में कांग्रेस ने माल रोड से होते हुए रिज मैदान तक रैली निकाली और रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया। आज देश में लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है, देश में प्रजातंत्र को बचाने की जरूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार होता है कि वो सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करे, अपनी आवाज़ उठाए। और हमें संविधान में ये हक मिला है, राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। अभी 12 तारीख को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा था, जिससे देश भर से लाखों लोगों ने उसमें सम्मिलित होना था, लेकिन सरकार ने जो है इस रैली पे पाबंदी लगा दी। जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने रैली की अनुमति नहीं दी। इस रैली के जरिए देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है और देश की जो डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, देश में बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, इन्हीं सभी मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस रैली का आयोजन किया था, लेकिन मोदी सरकार के दबाव के बाद जो है इस रैली की इजाज़त नहीं दी गई। मुझे लगता है कि ये इस देश में जो काफ़ी समय से चल रहा है कि जिस ढंग से जो हमारे स्वायत्त संगठन है उन्हें दबाने का प्रयास हो रहा है, सरकार हर जगह पे हावी हो रही है, मुझे लगता है कि ये सरकार की जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसका परिचायक है। क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी जी, वो हमेशा कहती आई हैं कि इस देश में लोकतंत्र और प्रजातंत्र को जो है खतरा है।